अफगानिस्तान के खिलाफ स्क्वाड में शामिल किया गया है। ओपनर्स में इमामुल हक, फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक होंगे, जबकि मिडिल ऑर्डर में कप्तान बाबर आजम, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, साउद शकील और तैयब ताहिर होंगे। विकेट कीपर्स के लिए जी मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस पर एतवाद किया गया है, जबकि स्पिन बॉलिंग को नायब कप्तान शादाब खान, उसामा मीर और मोहम्मद नवाज मजबूत करेंगे। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो जबकि फहीम अशरफ हैं, जबकि फास्ट बॉलर्स में शाहीन जाफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, वसीम जूनियर हैं और नसीम शाह भी शामिल हैं। प्लेंटी ऑफ टैलेंट, आई मीन ग्रेट, बहुत जबरदस्त नाम है। अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैचेस हैं जी, ये 22, 24 और 26 अगस्त को खेले जाएंगे और ये मैचेस श्रीलंका में होंगे, जबकि एशिया कप का आगाज मुल्तान में 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के मैच से होगा। हेड कोच ब्रेडविन का ये कहना है कि अफगानिस्तान को आसान हरीफ हम नहीं समझते, जारहाना अंदाज बरकरार रखेंगे। और अगर एशिया कप की बात करें तो श्रीलंका में जो शेड्यूल मैचेस है उसकी टिकट की फरोख भी शुरू हो गई है और इसके हवाले से जो कहते हैं ना कि थोड़ी सी हीट आना शुरू हो गया है, बिकॉज वी गॉट अ फिक्सचर ओवर देयर, पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, मदर ऑफ ऑल मैचेस। एंड राइट नाउ वी हैव सर्जन ऑफ ऑल द क्रिकेट एक्सपर्ट्स, सबसे सीनियर मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। साहब गुड मॉर्निंग, कैसे आप, ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपके बखैर, आपको भी और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो हमारे जो पिक्चर्स या सीन्स आ रहे हैं श्रीलंका से, प्लेयर्स आर वेरी हैप्पी माशाल्लाह और बड़े कंफर्टेबल भी लग रहे हैं, नाम भी बड़े अच्छे, टीम बैलेंस दिख रही है, क्या कोई चैलेंज मिल सकता है पाकिस्तान टीम को अफगानिस्तान की तरफ से 50 ओवर्स के खेल में? देखिए चैलेंज तो होगा, अरमला ने सही कहा कि बिखरी हुई टीम अब यकजा हो रही है, कुछ खिलाड़ी इंग्लैंड में थे, कुछ श्रीलंका में थे, कुछ पाकिस्तान में थे, सारे के सारे अब इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मोरल हाई होगा क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज, श्रीलंका को हराना 2-0 से, उससे पाकिस्तान का मोरल अप हुआ है। बाबर आजम, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज वगैरह जो है, फखर जमान, वो लंदन प्रीमियर लीग में खेल रहे थे इसलिए उनको मजीद प्रैक्टिस मिली है और मैं समझता हूँ अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज अच्छी होगी। लेकिन जो आप ब्रेडबर्न का जिक्र कर रहे थे ना इमरान, बिल्कुल उसने सही कहा कि अफगानिस्तान की टीम हमेशा हमें टफ टाइम देती है। अब से 4 साल का भी 2019 में सबको याद है कि हेडिंग्ले लीड्स में किस तरीके से अफगानिस्तान बिल्कुल सतह के नजदीक आ गया था अगर इमाद वसीम अच्छी बैटिंग ना करते। उससे पहले 2018 में शोएब मलिक ने पंजाबी में 50 ओवर्स की बात कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, वसीम शाह ने T20 में छक्के लगाए थे शारजा में जो पाकिस्तान जीत गया, आसिफ अली ने उससे पहले T20 में छक्के लगाए थे, रिमेम्बर माय नेम आसिफ अली, वो अब कहाँ चले गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, याद करा दिया आपने, वो तो बाकी आपने याद करा दिया हमें, कहीं आए भी हो गए? नहीं, वो अभी शायद लालगंज फैसलाबाद में थे, फिर उसके बाद कहीं लीग खेलने जा रहे हैं। और आपको पता है कि जब उन्होंने वो अपने काम करते थे तो वो जहाजों के बड़े लंबे लंबे लोहे के वो होते थे, उनको तोड़ते थे तो उनकी कलाइयों में बड़ी जान थी, आसिफ अली की अभी भी जान है जी। और वो जो थे जब उन्होंने अपना पहला T20 खेला तो सेंचुरी बनाई पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में फैसलाबाद में, मैं वहां मौजूद था 2012 के बाद। वाओ, अच्छा ठीक है। एक तो आपने जिक्र किया, मैं थोड़ा सा सवाल आपसे ही करना चाहता हूँ बॉलिंग को लेकर अफगानिस्तान की, दो के जो एशियन पिचेस हैं ये यूजुअली यू नो स्पिनर्स के लिए बनाई जाती है, स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं और अच्छा स्पिन बैकअप है अफगान टीम के पास, पेस अटैक को आप कितनी वैल्यू दे रहे हैं खासतौर पर अफगानिस्तान टीम की? देखिए अफगानिस्तान के पास पेस अटैक तो अच्छा है लेकिन उनकी असल स्ट्रेंथ उनके स्पिनर्स है, चाहे वो राशिद खान और जो दुनिया के टॉप के स्पिनर्स में शुमार होते हैं, मुजीबुर रहमान है, नूर अहमद है और उसके अलावा उनके साबिक कप्तान मोहम्मद नबी है जिनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। बदनिस्बत स्पिन बॉलिंग के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं है लेकिन उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं और जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मिर्जा साहब, दूसरी जानिब ऑब्वियसली अभी हम इस अफगानिस्तान सीरीज की बात तो कर रहे हैं लेकिन आगे बड़े टूर्नामेंट्स हैं, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, अब ये अफगानिस्तान के साथ जो हमारी अप्रोच और टीम भी जो ओवरऑल है वो बड़ी जबरदस्त है, हम सारे जो कह लेना उसमें पूरे हैं लवाजमात इस टीम के अंदर, सो आरसी की आइंदा आने वाले बड़े इवेंट्स के लिए ये तैयारी का एक बड़ा जबरदस्त मौका है टीम के लिए, और एक क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी?
आपने लवाजमात की बात की, एक मिक्स प्लेट है हमारी टीम, तो हर तरह का हमारे पास बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, फील्डिंग भी हमारी बड़ी जबरदस्त हो गई है, विकेट कीपर भी हमारे पास दो दो है, तो लवाजमात तो पूरे है। लेकिन देखें अरमला, चूंकि एशिया कप एक बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान एशिया कप नहीं जीता गुज़िश्ता कई बरस से, दो ही दफा पाकिस्तान एशिया कप जीता, 2012 में मिसबाह की कप्तानी में और उससे पहले 2000 में मुइन खान की कप्तानी में। तो पाकिस्तान की असल तवज्जो एशिया कप पर होगी ताकि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। 2 सितंबर को कैंडी का जो मैच है पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, जिसका टिकट इतना महंगा था कि 87,000 पाकिस्तानी रुपए का टिकट है, तो वो लोगों ने कल ही खरीद लिए जब वो ओपनिंग हुई टिकट्स की, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एशिया कप नेपाल का तो मैच बहुत हल्का है, जिसका इमरान कह रहे हैं 30 अगस्त को मैच है, लेकिन उसके बाद जो इंडिया से हमारे तकरीबन 2 मैचेस तो कंफर्म है एशिया कप में, एक तो लीग वगैरह का और एक सुपर 4 का, तो उसके बाद देखें क्या होता है। ये टूर्नामेंट एशिया कप जो है पाकिस्तान का मोरल बिल्ड करेगा वर्ल्ड कप के लिए, जहां पाकिस्तान 6 अक्टूबर को अपना पहला मैच नेदरलैंड के खिलाफ, 10 अक्टूबर को श्रीलंका और 14 अक्टूबर को रिवायती हरियाणा के खिलाफ। अच्छा, ये टिकट्स का आपने जिक्र किया, तो मेरी नजर से जो पाकिस्तान अफगानिस्तान टिकट की लिस्ट थी, मुझे महंगे टिकट्स नहीं लगे इस दफा पीसीबी ने इन मैचेस के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले जो हैं? लगता है वो वीडियो जो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा से कीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज ये वाली बात दोबारा बताइए। मैं ही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो पहले वीडियो बनाया जिससे कंट्रोवर्सी हुई, ट्रेंड चला, और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से ये सारी चीजें की कि अब एकदम से अफगानिस्तान के खिलाफ इतने महंगे टिकट रखने की जरूरत क्या थी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मर्जी है, वो बादशाह है, जंगल का बादशाह है, जो चाहे करे, कोई पूछ थोड़ी सकता है। आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, क्योंकि ऐसी गुगलीज हम आपको करा सकते हैं, हमें पता है, वहाब रियाज का मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे हमारी बात हुई, क्रिकेट से रिटायर हुए हमारे केयर टेकर, पंजाब के मुशीर भी हैं, वजीर आला के इस वक्त गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, और पाकिस्तान के लिए बहुत अरसे तक खेले, बड़े सैड भी थे ओब्वियसली अपना इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ते हुए। वहाब रियाज की क्रिकेट को आप कैसे देखते हैं, कैसा पाया आपने उनको बहसियत क्रिकेटर? देखिए वहाब रियाज एचिसन कॉलेज में पढ़े, और वहाब रियाज एचिसन कॉलेज का भी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना है उसके भी मेंबर है, और वहाब रियाज ने फिर अपना पहला टेस्ट मैच जो था 2010 में इंग्लैंड में खेला, उससे पहले 2008 में अपना पहला वनडे खेले। लेकिन जिस तरह की वो उनकी कारकर्दगी थी, उनके दो स्पेल इमरान बड़े यादगार रहे, एक तो 2011 के वर्ल्ड कप में जहां उसने 5 विकेट लिए चंडीगढ़ मोहाली में, और एक 2015 का वर्ल्ड कप जहां शेन वॉटसन को वो डोज ऑफ हिज ओन मेडिसिन दिया, जहां शॉर्ट पिच गेंदें उन्होंने की, और अगर राहत अली शायद आप उनको भूल गए मुल्तान के फास्ट बॉलर को कैच न छोड़ते तो शायद नक्शा कुछ और होता। लेकिन वहाब रियाज का करियर बड़ा जबरदस्त था, बड़े अच्छे बॉलर रहे, फिर अहमद शहजाद के साथ उनकी जो लड़ाई हुई शाहजहां में वही मौजूद था, उनका करियर बनाने में उनके वालिद शेख सिकंदर रियाज मरहूम का बड़ा किरदार है, जो हर वक्त उनको पुश किया करते थे। तो वहाब एक अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन अब उसे पाकिस्तान के पास इतने ये फैसला सही पॉइंट पे लिया उन्होंने, बिल्कुल, क्योंकि अब इतने फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के पास आ गए, मोहम्मद आमिर भी गिला करते हुए अब वो भी हिम्मत हार गए, तो मेरे ख्याल में बहुत सही डिसीजन लिया वहाँ पे, सही डिसीजन लिया, टाइम पे लिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट।